वॉटर है या नहीं है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना, गाड़ी का स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है या ड्राइवर के हाथ में होता है ना? हा या ना बोलो भाई, होता है ना। मगर ये टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है ऐसी सरकार? तो ये सरकार बदलने के लिए हमें संघर्ष यात्रा लेकर निकले हैं। मित्रों, केसीआर ने पूरे राज्य को कर्ज में डुबा कर रखा है और कहते हैं कि हमें और कर्जा चाहिए। क्यों भाई? बेटे बेटी की भलाई के लिए? न जाने कितने स्कैम आपने किए हैं, मगर आपका पेट अभी भी नहीं भरता है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, तेलंगाना सरकार ने ढेर सारी केंद्रीय योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया है। मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की है, मगर तेलंगाना राज्य उसका 100% अमल नहीं करता है। मुझे बताओ, तेलंगाना राष्ट्र के आदिवासी गरीब बिकवर्ड क्लास के लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो। ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, पूरा अनाज मोदी जी प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 साल से 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रहे हैं और 5 किलो अनाज 2 रुपये में भेज रहे हैं। उसके पर अपना और अपने बेटे बेटी का फोटा लगा दिया है। वो समझते हैं कि तेलंगाना के लोग जानते हैं, मगर उनको मालूम नहीं है आपको अब सब पहचान चुके हैं। चंद्रशेखर राव जी, सिंचाई परियोजनाएं, पालामारू रंगारेडी लिफ्ट इरिगेशन योजना, दिंदी लिफ्ट सिंचाई, राजौली बांदा डाइवर्जन स्कीम, नट्टे पांडु प्रोजेक्ट, एक केंद्र ने मंजूर तो किए, मगर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें उनको कॉन्ट्रैक्टर अपना नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए इरिगेशन का काम नहीं करते। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में एक साइंस सिटी दिया है, सिर्फ 25 एकड़ भूमि देनी है, मगर नहीं देते हैं। साइंस सिटी अटकी हुई है। वारंगल जिले में सैनिक स्कूल के लिए 2017 से केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है, मगर सैनिक स्कूल नहीं करते। मित्रों, फिर भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मोदी जी ने 8 साल में तेलंगाना के विकास के लिए 2,52,202 करोड़ रुपया दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, 2,52,202 करोड़ रुपीस मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए। आप गुमराह मत करिए चंद्रशेखर राव जी, ये सूची में बंडी को देकर जाता हूं, कल वो प्रेस में ये पूरा लिस्ट आपको पढ़ने के लिए भेज देंगे। आने पाई का हिसाब है इन देश के अंदर। और मैं चैलेंज देकर जाता हूं, आपने क्या किया और हमने क्या दिया, इसका हिसाब तेलंगाना की जनता के सामने रखिएगा। रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री 6400 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों को 5000 किलोमीटर क्रॉस करा दिया। 4 लेन फ्लाईओवर 187 करोड़ रुपया दिया। लगभग 8000 करोड़ से क्षेत्रीय रिंग रोड बनाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव के 2300 किलोमीटर के 1700 करोड़ रुपए के खर्च से रोड बनाए। रेलवे में हमने 4200 करोड़ रुपया खर्च किया और
मिशन भगीरथ योजना के तहत 2500 करोड़ रुपया दिए। मित्र बड़ी बहुत बड़ी सूची है, कल बंदी जी देंगे। मैं अंत में इतना ही कहना आया हूं मित्रों, आज मैं घोषणा कर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार चुनाव में बना दीजिए। चंद्रशेखर राव को ऐसा है कि हम चाल चलेंगे, चुनाव जल्दी करा देंगे। भैया चंद्रशेखर राव, हम भी चुनाव की ही राख दे दिख रहे हैं, कल ही घोषणा कर दो, आप कल ही घोषणा कर दो, ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक एक किलो बॉइल राइस हम परचेज भी करेंगे और किसानों को मदद भी करेंगे। इसके साथ साथ जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करा है, जिसके कारण एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती आपने की है, हम माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त कर एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। माताओं भाइयों और बहनों, परिवारवादी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, तंत्र मंत्र के आधार पर चलने वाली सरकार तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर विकास की एक लहर फैलाई है, 8 साल के अंदर भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने भारत स्थापित किया है, कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है, करोड़ों करोड़ों लोगों का टीकाकरण करा है, स्टार्टअप की शुरुआत की है, किसान दलित और आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारे कार्यक्रम ले आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यहां डबल डेकर सरकार बनानी है मित्रों। डबल डेकर सरकार समझ रहे हो ना, एक सरकार तो आपने बनाई है मोदी जी की, दूसरी बनाई है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की। ये दोनों सरकार बनाकर सुरक्षित और समृद्ध तेलंगाना का वादा हम पूरा करेंगे। तीसरे चरण जब यात्रा का शुरू हो, तब इससे भी 2 गुना बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आप समर्थन करिए। मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं, मेरे साथ जल्दी चुनाव करते हुए चंद्रशेखर राव को डर लगे, इतनी बड़ी आवाज से भारत माता का नारा लगाना है। मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करिए, अंत तक सभी लोग खड़े करें, दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।